नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक। अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि वीगन क्या होता है, वीगनिज्म क्या होता है, तो मैं उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। वीगनिज्म एक जीवन शैली है, एक लाइफ स्टाइल है जिसमें हम पशुओं का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करने से बचते हैं। अर्थात ये वो जीवन शैली है जिसमें हम किसी भी पशु पक्षी को यथासंभव पीड़ा नहीं पहुँचाते हैं। अब कुछ लोग समझते हैं कि वीगन एक डाइट है, एक खाद्य शैली है। हाँ, ये डाइट से भी संबंधित है, क्योंकि धरती पर सबसे ज़्यादा जो जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है वो उनको खाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए हो रहा है। तो बेशक अगर हम वीगन हैं तो हम किसी भी प्रकार के पशु उत्पादों का इस्तेमाल खाने के लिए भी नहीं करते हैं। जैसे मांस के लिए जानवर को मार दिया जाता है बेदर्दी से, दूध या दूध से बनी चीज़ें एक दूसरे प्रजाति की माँ को पूरे जीवन बंधक बना के रखा जाता है, जबरन हर वर्ष गर्भवती बनाया जाता है, उसके पैदा हुए नवजात बच्चे के हिस्से का दूध छीन के हमको दिया जाता है, अंत में सारी की सारी बूढ़ी भैंसे उनके जो नर पड़वे हैं वो कसाई के पास जाते हैं, अगर गौवंश है तो वो भी काफ़ी हद तक कसाई के पास जाते हैं, नहीं तो वो छोड़ दिए जाते हैं और सड़कों पर बेमौत मरते हैं। तो इस तरह से दूध के लिए भी हम उन पर बहुत ज़्यादा क्रूरता करते हैं। अंडे के लिए एक मुर्गी को पूरे जीवन एक A4 साइज के पेपर के स्पेस में बंद करके रखा जाता है, लगातार उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, उनका पैदा हुआ जो नर चूजा अगर अंडे से हैच करके निकलता है तो उसको ग्राइंड कर दिया जाता है, अंत में मुर्गी को भी बेमौत मारा जाता है। ऊन के लिए एक भेड़ को बहुत ही बेदर्दी से शेप किया जाता है, चमड़े के लिए कई बार जानवरों को जिंदा ही उनका चमड़ा उतार लिया जाता है, नहीं तो उनको बेदर्दी से मारा जाता है चमड़े के लिए। शहद के लिए एक मधुमक्खी का पूरा शहद छीन लिया जाता है जिससे उनको खाने की कमी हो जाती है, कई बार वो भूखों मरते हैं। तो इस तरह से इन विभिन्न चीज़ों के लिए, रेशम के लिए रेशम के कीड़ों को जिंदा उबाला जाता है, एक रेशम की साड़ी बनाने के लिए करीब 50,000 रेशम के कीड़ों को जिंदा उबाला जाता है। तो हम वीगन लोग अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए इन पशुओं पर ये जो अत्याचार हो रहा है ये नहीं होने देना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे किसी भी पशु उत्पाद का इस्तेमाल ना तो खाने में करते हैं ना तो पहनने में करते हैं जिसके लिए उन पशुओं पर यह अत्याचार हो रहा है। इसके अलावा हम लोग बहुत से आजकल कॉस्मेटिक्स हैं, दवाइयां हैं जिनका पशुओं पर परीक्षण होता है, चूहों पर, खरगोश पर, बंदरों पर बहुत ही बेदर्दी से परीक्षण करके ऐसे कॉस्मेटिक सामान, ऐसे टूथपेस्ट हैं, साबुन हैं, शैम्पू हैं हमारे पास आते हैं। तो हम वीगन लोग पशुओं पर परीक्षण की गई सामग्री का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा हम वीगन लोग मनोरंजन में भी पशुओं के इस्तेमाल का समर्थन नहीं करते हैं। जैसे मनोरंजन में चिड़ियाघर का इस्तेमाल, सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल, जंगलों में हाथी की राइड, तांगे की सवारी, बैलगाड़ी, इसके अलावा शादियों में घोड़े का इस्तेमाल, हम वीगन लोग किसी भी प्रकार से पशुओं के इस्तेमाल का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जैसे हम एक व्यक्ति हैं, जैसे हमें स्वतंत्रता प्यारी है, वैसे उन पशु पक्षियों को भी स्वतंत्रता प्यारी है, वो भी एक व्यक्ति हैं, उनका भी अपना परिवार है, उनकी भी अपनी एक नेचुरल लाइफ है, और उनकी नेचुरल लाइफ को ख़त्म करके उनको कैप्टिविटी में रखना, बंधक बना के रखना और उनका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना ये गलत है, ये अनैतिक है। तो हम वीगन लोग इस तरह से किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य में पशुओं के इस्तेमाल का समर्थन नहीं करते हैं, यथासंभव उनके इस्तेमाल का समर्थन हम नहीं करते हैं। तो ये है वीगन जीवन शैली। तो अगर हम पशु उत्पादों को नहीं खाते हैं तो हम क्या खाते हैं? हम पौधों से प्राप्त भोजन लेते हैं, हम फल खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, हम दालें खाते हैं जिसमें राजमा और तमाम तरह की बीन्स हैं उनको हम खाते हैं जो प्रोटीन से रिच हैं, सब्जियाँ विटामिन में रिच हैं, मिनरल से रिच हैं। तो हम इस प्रकार से पौधों से प्राप्त एक बैलेंस डाइट लेते हैं, और ये जीवन शैली ना सिर्फ हमारे लिए फ़ायदेमंद है बल्कि पशुओं के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, पहनने में आजकल हमारे पास तमाम सिंथेटिक चीज़ें हैं, हमें ना ऊन पहनने की ज़रूरत है, ना रेशम पहनने की ज़रूरत है, ना चमड़ा पहनने की ज़रूरत है, ना फर पहनने की ज़रूरत है। ये आदिकाल में शायद होता रहा हो पर आज इसकी आवश्यकता नहीं है। आज हमारे पास दूसरे कृत्रिम हमारे पास पहनने वाली चीज़ें हैं जो बेहद ज़्यादा सस्ती हैं, ज़्यादा टिकाऊ हैं और ज़्यादा अच्छी हैं।
तो क्यों ना हम उनका इस्तेमाल करें। मनोरंजन के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हमको जानवरों को देखना है तो हम बर्ड वॉचिंग करें, हम एक बैनाकुलर ले लें, कैमरा ले लें, हम निकलें बिना जानवरों को परेशान किए, हम उनकी फ़ोटो लें और उनको देखें नेचर में, ना कि हम जाकर चिड़ियाघर में हमारी वजह से कैप्टिविटी में रखे गए उन जानवरों को, मतलब चिड़ियाघर में विभिन्न अलग अलग जगहों के जानवरों को लाकर बंद करके रखा जाता है। ऐसे जानवर जो रेगिस्तान में रहते हैं, ऐसे जानवर जो ध्रुवीय प्रदेशों में रहते हैं, ऐसे जानवर जो बहुत ही घने जंगलों में रहते हैं, उनको लाकर एक छोटे से जगह में कैद कर दिया जाता है। सोचिए उनके साथ कितनी क्रूरता होती है। तो वीगन बनना बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ऊपर आप कैप्शन में दिया गया वीडियो देखिए और वीगन बनिए। पशुओं का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करना बंद कीजिए। जैसे हमें अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, जैसे हमें हमारी स्वतंत्रता का जन्मसिद्ध अधिकार है, वैसे उन सभी पशु पक्षियों को उनकी स्वतंत्रता का जन्मसिद्ध प्राकृतिक अधिकार है। वो अधिकार हमने उनसे छीना है और हमें उनको वो अधिकार वापस करना है। तो जो ये वीगन अभियान है, ये असल में पशुओं के सशक्तिकरण के लिए है कि पशु किसी भी प्रकार से हमारे गुलाम ना बने, किसी भी प्रकार से हमारे इस्तेमाल की चीज़ ना बने, वो इंग्रेडिएंट नहीं है। बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं मार्केट में जिसमें पशुओं से प्राप्त की गई चीज़ों को इंग्रेडिएंट के रूप में डाला जाता है। जैसे बहुत से बिस्किट हैं जिसमें मिल्क सॉलिड का इस्तेमाल किया जाता है, हम वीगन उनका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो आप अगर कोई भी ऐसा खाने वाला सामान आप खरीदना चाह रहे हैं तो उनका इंग्रेडिएंट ज़रूर चेक कीजिए, देखिए उसमें किसी भी तरह से पशुओं से प्राप्त उत्पाद तो नहीं है। अगर उसमें मिल्क सॉलिड है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो पशुओं से प्राप्त है तो आप उसका इस्तेमाल मत कीजिए। भारत में रेड सिंबल ग्रीन सिंबल ये बहुत पहले ही लाया गया था। रेड सिंबल अर्थात उसमें पशुओं से प्राप्त चीज़ें हैं, हालांकि ग्रीन सिंबल वाली चीज़ों में भी पशुओं से प्राप्त चीज़ें होती हैं, खासकर डेयरी से प्राप्त की गई चीज़ें, पर फिर भी उनको ग्रीन में रखा गया है, उनको वेजिटेरियन माना गया है पर वो वीगन नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि उनका इंग्रेडिएंट चेक कीजिए, अगर उसमें किसी भी प्रकार के पशु उत्पादों का इस्तेमाल किया गया है तो उनका इस्तेमाल मत कीजिए, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जिसमें पशु उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये है वीगनिज्म, ये है वीगन, और वीगन बनना बेहद ज़रूरी है। अब एक और बात आखिरी में, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पश्चिम से आया हुआ एक प्रोपोगंडा है वीगनिज्म और इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है, वीगनिज्म एक परिशुद्ध भारतीय जीवन शैली है। हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो किसी जानवर को मारकर नहीं खाते थे, वो किसी भी गाय को बंधक बनाकर उसको हर वर्ष गर्भवती बनाकर उसके बच्चे का दूध नहीं छीनते थे, वो जंगलों में रहते थे, वो वहाँ से फल खाते थे, कंदमूल खाते थे और वो ध्यान करते थे। वो थी उनकी जो जीवन शैली थी, वो थी वीगन जीवन शैली। आज इसका नाम भले वीगन रख दिया गया है पर यह परिशुद्ध भारतीय जीवन शैली है, एक सनातनी जीवन शैली है। तो आप सभी से निवेदन है कि बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है जानवरों पर, वो सारा अत्याचार रोकने के लिए वीगन बनिए। पशुओं से प्राप्त किसी भी पदार्थ का इस्तेमाल ना कीजिए, किसी भी तरह से उनके पदार्थों का समर्थन मत कीजिए और पशुओं को, अपने स्वास्थ्य को और पर्यावरण को बचाने के लिए वीगन बनिए।